हेलो, बोल रहे थे दादा, मैं क्या कल वो राइटिंग लाने जाऊं? नहीं, मैं खुद जाके दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। बोल रहे थे दादा, आपके राइटिंग के साथ ही इस बार का पूजा का सालगिरह हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप तो समझ ही रहे हैं, एडिटर साहब बहुत उछल कूद कर रहे हैं, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, अच्छा मैं खुद जाके आप लोगों को कल देके आ रहा हूँ। ओके? अच्छा ठीक है ठीक है, तो फिर कल मिल रहे हैं। हाँ, ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, किन से मिलना है? आपसे? मुझसे? मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन? मैं रीता, रीता मित्रो, आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। ओ आई सी, यू मीन मिस रीता। You are a sales girl, right? Yes, sir. आप एकदम सही पकड़े हैं। But मुझे अभी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, sorry. मेरे पास जो प्रोडक्ट है, आप सोच भी नहीं सकते आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं अगर लौट जाऊंगी तो मेरी टारगेट के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट होगा, बट आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मिस्टर ओबी, ओबीरूप शेन। सॉरी, मैंने तो बोल दिया मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, यू मे लीव। बिना देखे ही? ठीक है, बाय। मिश्रिता? यस सर। अच्छा दिखाइए आपके बैग में क्या प्रोडक्ट है, आइए अंदर आइए। थैंक यू सर, मुझे पता था आप मुझे नहीं लौटाएंगे। आइए अंदर आइए। प्रोडक्ट बाद में देख रहा हूं, पहले बताइए आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी जरूरत है। ओके, एज यू विश। मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट थोड़ी ना देखना है, सिक्सिक लड़की, एक ही चीज लिख लिख के बोर हो गया, रहने देता हूं, कितने दिनों तक किसी लड़की का साथ नहीं मिला। हाँ
एनी प्रॉब्लम? नहीं, मतलब बहुत गर्मी लग रही थी। क्यों, एसी तो चल रहा है, इट्स कूल। दरअसल मैं बहुत गर्म हूं ना। अच्छा, चाय पीते हुए बात करते हैं? श्योर। बाय द वे, किस बात पर? आपका वो प्रोडक्ट। आप बोलिए, इस वक्त आपको क्या जरूरत है? मतलब आपकी जरूरत हमें नहीं बताएंगे? आप कौन सा प्रोडक्ट लाई हैं वो बिना जाने मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे वो लगेगा कि नहीं। मैं अगर कहूँ आपको इस वक्त क्या जरूरत है, ये मुझे पता है। मेरी जरूरत आप जानती है। ये देखिए, मुझे लगता है आप मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं। मुझे भी बहुत काम है। मिसेस नहीं है ना आपकी? व्हाट? डेढ़ साल पहले आप दोनों का डिवोर्स हो गया है ना? इनफैक्ट जिसके लिए डिवोर्स हुआ है, 6 महीने पहले उसके साथ भी आपका ब्रेकअप हो गया है। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग मिस्टर ओविरूप सेन? कौन है आप? मैं एक साधारण सी सेल्स गर्ल हूं। एनीवे, ये मेरा बिल्कुल पर्सनल मैटर है। इसके साथ मुझे लगता नहीं कि आपके प्रोडक्ट का कुछ ताल्लुक है। अब आप जा सकती हैं। है मिस्टर रवि। व्हाट? आपके साथ बहुत बड़ी एक जरूरत की संबंध है। सेक्स। You need sex. You know, आप बहुत दिनों से अकेले रहते रहते फ्रस्ट्रेशन में है ना? जोक्स अपार्ट, मैं दरअसल मजाक कर रही थी। दरअसल आपको बहुत कंटेंट की जरूरत है, राइट? एग्जैक्टली, मुझे अभी बहुत सारे कंटेंट की जरूरत है अभी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। मेरे पास आपका क्राइसिस मिटाने की सभी चीज है। तो रियली? Yes, sir. मुझे एक बार किचन की परमिशन देंगी? ओह श्योर, बट ये टी बैग। हाँ, इसी से ही आपका हर मुसीबत का सफाया हो जाएगा। पर मिस्टर रवि, मैं जितना भी मजाक करके कहूं या नहीं, बहुत दिन हो चुके लेकिन आप औरत का संग नहीं पाए हैं। आई थिंक वो भी आपकी जरूरत की प्रायोरिटी लिस्ट में है। लगता है मुझे पूरा स्टडी कर लिया बिना मांगे इतना कुछ। किचन? नहीं, आप क्यों? मैं ही
ये मुझे ही बनाना पड़ेगा. This is secret. Okay. As you wish. Please. Yes. अच्छा, सॉसपैन? वो रहा सॉसपैन. ओह. कब भी आओ. इसी कप में ना. थैंक यू. ऑन करूं कैसे? ये रहा. थैंक्स. अच्छा, आप जाके ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं चाय लेकर आ रही हूं. क्यों, मैं आपको थोड़ा हेल्प कर दूं? कहां था ना, सीक्रेट? ओके. यही तो मेरा प्रोडक्ट की स्पेशलिटी है मिस्टर अभी.
गुड बाय मिस्टर अभी, आई एम सॉरी टू से कल रात चाय के साथ नींद की दवाई मैंने मिलाई थी। एक्चुअली आपने सही समझा था, मैं एक सेल्स गर्ल हूँ बट मैं एक प्रोस्टिट्यूट भी हूँ। क्लाइंट को कॉल करके बुलाना नहीं पड़ता है, मैं खुद ही पहुँच जाती हूँ मेरी टारगेट क्लाइंट के पास जानकारी लेकर। मैं दरअसल ये सर्विस थोड़ा सा हट के देना पसंद करती हूँ, प्रोस्टिट्यूशन डोर टू डोर। आपको डायरेक्ट कहने पर आप राजी नहीं होते, तो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। एक सिंपल टी बैग को मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लीजिएगा। फाइनली आपका घड़ी और मोबाइल लिया है मैंने मेरी चार्जेस के बदले। उम्मीद है आपकी ज़रूरत को मैंने मिटा दिया, अब आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। कल शाम से हुई घटना आपकी स्टोरी लाइन हो सकती है। एनीवे, अगली बार आमने सामने अगर मुलाकात हुई तो आपका फीलिंग कैसा था इस बारे में हम लोग बात करेंगे, मुझे बताइएगा ज़रूर। इच्छा रखती हूँ, और मुझे आप याद रखेंगे बहुत दिनों तक, ये नया कॉन्सेप्ट भी, प्रोस्टिट्यूशन डोर टू डोर। आपकी रीता मित्र।